हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। तो गाइस रेडी रहिए आप लोग। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, और वो भी किसका, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर आप पढ़ाए, रे ऑप्टिक्स पढ़ाए, तो उसका जो है एमसीक्यू प्रश्न बताइए जो हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप इस सेशन को देखने के बाद यहां से एग्जाम में आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार को बताइए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना क्या, सीधा। इसकी जो प्रकृति है सीधा होता है, एवं इसकी जो आकार होता है तो वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को समझ लिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, गोली दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एफ बराबर आर बाय टू। फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है जी, बिल्कुल एफ इक्वल टू आर बाय टू। क्लियर साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल पूछ दे कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, देखिए क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, देखिए आप लोग कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो साथियों वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर टू एफ हो जाएगा, और 2 × 16 बराबर 32 सेंटीमीटर निकल जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या। क्लियर साथियों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा साथियों, तो गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछते हैं, लेंस सूत्र बताइए, तो बच्चों लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र में होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको डायरेक्ट एकदम सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एकदम कहीं कोई दो शक वाली बात नहीं है, आपको यहां से प्रश्न एकदम सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सीधे एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, 12th के हैं या झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, कहीं भी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का अर्थात प्रतिबिंब का सीधा, मतलब वस्तु का, बिंब मतलब वस्तु होता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्लियर दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग लेंस की सॉरी किसी लेंस की क्षमता, क्वेश्चन सुनिए मजा आएगा, देखिए किसी लेंस की क्षमता ब्रैकेट में पी, देखिए क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है, देखिए लिखा हुआ है किसी लेंस की क्षमता
उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी में संबंध। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दैट इज यहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा पी इक्वल टू वन बाय एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, पी इक्वल टू वन बाय एफ हो जाएगा। क्लियर चीज है दोस्तों। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, मोटर चालक के सामने में जो लगा रहता है ना साइड मिरर के रूप में, कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं बच्चों, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार सेशन होने वाला है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट रेलवे का एग्जाम में भी पूछता है, हम आपको इतना दूर तक गारंटी देते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ें, शानदार होकर पढ़ें, नो टेंशन नो एकदम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में वाहन में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्लियर, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत ही शानदार। ठीक है, आप आवर्धन, लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है, लेंस के आवर्धन बराबर लेंस के आवर्धन का व्यंजक लिखें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, m बराबर, m आवर्धन होता है ना, तो m बराबर v बटे u, m बराबर v बटे u। देखिए आंसर दिख रहा है आप लोग को, क्लियर। नेक्स्ट आइए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक इनवाइटेड, देखिए वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में, पता है आप लोग को दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जल्ला जवाब, बिल्कुल खतरनाक, बहुत ही शानदार प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आते हैं तो आप हमें यस भी लिखकर कमेंट कीजिए कि सर अगर इस प्रकार का वीडियो और भी चाहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम डेली इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे सेशन वाइज करके। ठीक है बच्चों, आइए तो क्वेश्चन है अपना मेरा क्या, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको नजदीक से देखने के बाद वो सीधा इमेज बनाता है ना, सीधा इमेज बनाता है। आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी पूछे कि उस दर्पण का नाम, पहले क्वेश्चन ही थम हो चुका है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण बताए देना। तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का भी किया जाता है, नो टेंशन। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट चर्चा करें। एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार हम समझाए थे, क्या समझाए थे, जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। बच्चों बिल्कुल प्रकाश का परावर्तन नियम पढ़े हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। क्लियर दोस्तों, वेरी गुड, आप लोग समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है बच्चों। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, आइए अगला बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, कौन ऐसा दर्पण है बच्चों जिसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। पढ़ाए थे, मजा आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन ऐसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, आंसर बताइए तब हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों,
वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण का जो है ना दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, साइड मिरर के रूप में देखते हैं, साइड मिरर के रूप में जो है लगाया जाता है, क्या उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, पीछे का देखते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी इतना सा शीशा में कैद कर लेता है, तो इसका जो है क्या होता है दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आपको जरूर बताना है, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना इस सेशन को, खासकर इस सेशन को और भी बच्चों के साथ शेयर जरूर कर दें दोस्तों। बहुत ही शानदार सब प्रश्न बताए, और भी हम नेक्स्ट इसके पार्ट टू में इसमें जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है शानदार शानदार प्रश्न हम आप तक पेश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।